बोल जब उस अच्छी कंडीशन में होता है तो इसीलिए वो किसी को वो अपनी माँ पे भरोसा करे या चंद्रमा में करे या वो गुरु जी पे करे, वो खुद ऐसी सिचुएशन से निकल के आया था, बड़ा ही उसी को देखते हुए वो होता है, तो इसीलिए उसको बोला गया कि वो किसी को भरोसा नहीं करता जब वो अपने जो है कि साइन के अंदर होता, खासकर मूल त्रिकोण साइन जो कन्या, वहां वो किसी को भरोसा नहीं करता। अच्छा वो सामने वाला मतलब पति है, बेटा है, भाई है, कोई है, अगर वो भी जो कहीं जा रहा है तो उसको भी नजर रखेगा कि हाँ भाई एक सही जगह जा रहा है नहीं जा रहा है, बेटा है उसका भी नजर रखेगा। लेकिन अगर वही बुद्ध है, वो अगर वहां पर मीन राशि में चला गया जहां पर उसको भरोसा है, वहां उसको अगर बाहर से आगे कोई बंदा बोल रहा है ना कि भाई मैंने आपके हस्बैंड को या वाइफ को उधर देखा था, ऐसे देखा, अरे नहीं नहीं कहीं गए होंगे चाय वाय पीने गए होंगे, साथ में काम करते होंगे, उसको भरोसा है क्योंकि वो पैसे मीन में गया ना, तो वहां भरोसे का साइन है। इसीलिए मैंने बोला कि वहां पर जो मीन में जाता है ना, वैसे तो अच्छा है वो, लेकिन वो खराब इसलिए बोला गया है, खराब इसलिए बोला गया कि वो बिना सोचे समझे अगर किसी को पैसे दे दे किसी साथ बिजनेस कर ले तो वहां डूब जाएगा ना। रिश्तों के अंदर ठीक है भरोसा चाहिए, ठीक है वो अच्छी बात है, क्योंकि वो बेडरूम में जाके भरोसे पे आता है। ये देखो ना कि 12th हाउस हमारा बेडरूम लाइफ है, वहां तो भरोसा नहीं होगा तो आप साथ सो ही नहीं सकते ना, एक साथ में लड़ाई ही होती रहेंगी। फिर भरोसा तो बहुत जरूरी है, फिर एक कमरे के अंदर आप चाहे वो आप आपके साथ में आपका बेटा है, आपके साथ में पति है, आपके साथ में माता जी है, जब तक आपकी क्लोज जो बॉन्डिंग नहीं होगी, आपको एक दूसरे पर भरोसा नहीं होगा, आप एक साथ नहीं सो सकते। वो वहां पर भरोसा है उसका, वो फिर डाउट नहीं कर सकता ना वहां पर जाकर के, तो पता है कि भाई मैं अपने मम्मी के साथ हूँ या पापा के साथ हूँ, भाई के साथ हूँ या अपने जो कि हस्बैंड या वाइफ के साथ हूँ, तो इसलिए वो भरोसा है। तो बुध वहीं जाके भरोसा करता है और कहीं भरोसा नहीं करता। और जगह तो अगर वो सिक्स्थ में है तो डाउट क्रिएट करेगा, डाउट करेगा, लुकता चीनी जिसको बोलते कि बाल की खाल उतारना, जैसे मैंने ऑडिटर बोला था, ऑडिटर के लिए भी वो जो कन्या राशि सीधे बोली गई बाल की खाल देखते हैं। तो इसी तरीके से अगर वो रिफ्लेक्टेड है तो फिर वो जो जिस प्लेनेट से रिफ्लेक्टेड है वो जैसा हो जाता है, यानी कि अगर सैटर्न के साथ है तो वो सैटर्न के साथ उसको जो है कि झूठा भी बनाता है, सैटर्न को झूठ बोलने की आदत है। राहु है, राहु को ठगने की आदत है, भ्रम फैलाने की आदत है, वो ठगेगा। तो ये चीजें ट्रेड्स हैं जो मतलब कि बुध के साथ में जुड़ जाता है। बुध जो है कि वो इसी तरीके से है, मतलब उसको जो खुद का जो नेचर है वो मतलब कि अकेला है तब तो बच्चा है, तो उसको अकेला बुरा क्यों बोला गया कि उसकी बुद्धि नहीं, मतलब ऐसा बंदा नहीं जिसको मतलब कि यही नहीं पता कि मुझे करना क्या लाइफ के अंदर। अगर चार्ट के अंदर अकेला हो गया बुध और उसे कोई देख भी नहीं रहा, कई बार होता नहीं किसी चार्ट में कोई अगर ग्रह बैठा उसको कोई एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा, कई बार हो जाता किसी के चार्ट में, उन्होंने क्या ना उनको यही नहीं पता कि हमें करना क्या, वो कुछ भी शुरू हो जाते हैं, मतलब ये क्यों कर रहा है, ऐसे ही मजा आ रहा है, वो मजे के लिए कर रहे हैं, उनको ये नहीं पता कि हमें लाइफ में आगे करना क्या। कोई बच्चों को स्कूल के अंदर देखा हो कि वो बाहर आए खेल रहे हैं, खेल सारे खेल रहे हैं, कोई कबड्डी खेल रहा तो सब कबड्डी खेल लेंगे, फुटबॉल खेल रहा फुटबॉल खेल, भाई तेरे को शौक है ना बस खेल रहा हूँ, आगे यही खेलना है क्या, कहना नहीं आगे का नहीं पता, मतलब खेल रहा हूँ टाइम पास हो रहा है बढ़िया। तो वो एक जो होता है ना टाइम पास के लिए सारे काम कर रहे होते हैं, वो बच्चा अकेला अगर वो है उसका आगे टारगेट्स नहीं होते, टारगेट तभी है जब उसके साथ कुछ मिल जाए, उसको रास्ता दिखाने वाला बच्चे का हाथ पकड़ के चलने के लिए सिखाया कि हाँ भाई आपको यहाँ जाना है, तो बुध बहुत अच्छा है उस चीज के लिए, तो वो बुध है। अब बच्चा जैसे किसी की सुनता नहीं है, बच्चे की आदत ना अपनी मनमर्जी करता है वो किसी की सुनता नहीं, तो ऐसे ही हमारा जैमिनी साइन है। जैमिनी साइन के अंदर ना हम किसी को भी किसी का सुनते नहीं है, हमें जो है कि वो एक फ्री विल मिल जाता है ना कि हम अपनी मर्जियां करें, तो वो जो है कि जैमिनी साइन है हमारा। जैमिनी साइन के अंदर हम वही करते हैं जो हमारी मर्जी, हम नहीं सुनते किसी की। जैसे कि आपका मान लीजिए कि मरकरी जैमिनी साइन, सॉरी जैमिनी अगर कैंसर साइन के अंदर हो तो 12th हाउस के अंदर आएगा। अब कैंसर साइन वाले को आप बोलो कैंसर लगन, उसको बोलो कि भैया ये खर्चा ऐसा नहीं करना या ऐसे करना, यहाँ तुम ज्यादा खर्च कर रहे हो या ये, वो बोले वो मानेगा ही। किसी भी कैंसर वाले को देख लो, उसको आप समझा नहीं सकते जहां पर जैमिनी साइन है। इसी तरीके से टॉरस वाले को आप ये नहीं समझा सकते कि भाई यहाँ पर आप जो है कि इन्वेस्ट करने का तरीका ये सही नहीं है, आप यहाँ इन्वेस्ट कर लीजिए, यहाँ पर बहुत अच्छी जगह है, या आप ये जो खाना खा रहे हो ये बहुत ज्यादा उल्टा सीधा खा रहे हो या आपके सेहत के लिए अच्छा नहीं है, वो खाने के बारे में नहीं सुन सकता क्योंकि उसे खाना जो उसे पसंद है वो खाना, क्योंकि वहां पर इंटरेस्ट है ना, जो फूडी लोग होते हैं
आपका जो टोरस अगर किसी का भी देखो ना, तो वो उसको वो मतलब खाना चाहिए, दोस्त एक तो अलग अलग चाहिए, अगर सुबह कुछ और चाहिए तो शाम को कुछ और चाहिए, रात को कुछ और चाहिए, थोड़ी देर बाद उसको मन करेगा आइसक्रीम चाहिए, मतलब उसको मन है, वो खाने का मन है। और थर्ड हाउस जो मतलब जैमनी साइड चला गया ना, वहाँ पर सेकेंड हाउस के अंदर, और फोर्थ हाउस है तो उसका शौक है, गाड़ी का शौक होगा उसको, घर बढ़िया होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, मतलब चेंज होता रहा, मतलब वो थॉट प्रोसेस जो आ गया वहाँ नहीं समझाता था कि यार तो ये मकान ले रहा है, इतने महंगा लेने की क्या जरूरत है, तो यार काम तो इतने में चल जाएगा, तेरी प्रॉपर्टी वहाँ है तो सही, कहीं मान लीजिए कोई ऑफिस से काम करने है, कुछ साल वहाँ रहना है, वहाँ मकान ले रहा है तो छोटा ले ले। अरे नहीं भाई, वो उसे समझा ही सकते, कह रहे भाई मैं अपना खर्च कर रहा हूँ ना, मेरे को पसंद है, शौक है, क्योंकि जहाँ पर जैमनी है ना, वहाँ पर आप पहले से ये लगा हिसाब लगा के रखते हो कि आपने क्या करना है क्या नहीं करना, वो आपके दिमाग के अंदर माइंड के अंदर ना वो होता है, वो हो भी आपके और आपके दिमाग के अंदर पहले से एक सेट होता है, सेट पैटर्न, डिफॉल्ट पैटर्न जिसको बोलते हैं, तो वो है वहां पर, वहां पर मतलब आप नहीं चेंज कर सकते कुछ भी, मतलब जो भी चीज हो आपका, जो कि मान लीजिए सेवंथ हाउस है, बिजनेस है, आपको बिजनेस कैसे करना है, या आपने बच्चा मान लीजिए कहीं जो गुस्से में बात कर रहे हैं स्पाउस है, या कहीं अगर उसको किसी ने समझा कर यार इस तरीके से बात नहीं किया करते, तो वो बता, अब कुछ लोग तो चुप हो जाते हैं, जब कोई दूसरा टोकता है कि हाँ, उनको रिलाइज हो जाता है कि हाँ मैं गलत कर रहा था, वो चुप हो जाएगा, लेकिन कुछ लोग पलट के जवाब देते हैं, यार मेरा बिजनेस है ना, मैं जैसे मर्जी चलाऊँ, या मेरी वाइफ है ना, मैं कुछ भी बोलूँ, उल्टा सोचो ना अपने बारे में, सोच रहे ट्रेडर बन गए, मैंने भी क्या बोला था उसी को एक्सटेंड ऐसे कर सकते हो जो मैंने खुद बताया, इसको अगर आप सोचोगे तो इसको आप मेरे जो ये रूल है इसको 15 तरीके से लगा सकते हो, सारे लोगों को अगर आप सोचे हो दिमाग जाते हैं, मैंने आपको एक तरीका बता दिया कि बुध जहां पर लगने में होता तो स्वार्थी होता है, अपने बारे में सोचता है, तो जब बुध आपके चौथे घर में होता आपकी माँ भी तो अपने बारे में सोचेगी ना, वो माँ स्वार्थी हो जाएगी, तो इसको इस तरीके से लगाओ सारे लोगों, तो आपको बहुत काम मिल जाएगा, आप जिंदगी में जो अपना वैदिक वैदिक भूल जाओ, अभी ये करो, और जब 6 महीने अगर इसको करते रहोगे तो आप सिर्फ चार्ट ऐसे उठाओगे ना, बोलोगे यार तेरी माँ तो धोखेबाज है, तेरे पिताजी तो ये करते हैं, तेरे तो ये, आप 15 चीजें उसको ऐसे ही बता दोगे, वो 15 चीजों के बाद बोलेगा, तो अगर आपने झूठ भी बोल दिया ना, कोई चीज झूठ भी बोल दी है भाई, उसे भी विश्वास करा गुरु जी बोलो आगे समझ लो बात को, तो इसको समझना जरूरी है, अगर इसको समझ लेना अपना पूरी फैमिली समझ गए आप, अपने चार से अपने बेटे का फिफ्थ हाउस में बुध आ गया, क्या होगा आपका बच्चा बुध मतलब हो गया, वो आपके सुनेगा ही ना, तो फिर उसको उससे इतनी उम्मीद मत रखो ना फिर बुढ़ापे में, और आपको मालूम चल गया, तो ये लिविंग ऑफ लाइफ बता रहा हूँ आपकी मैं, कि आपको जीना कैसे, आपके प्लान्स कैसे करने, केतु सेकंड हाउस, आपके पैसे नहीं जुड़ने, तो आप अपने पैसे अपने बच्चों के नाम से या अपनी बीवी के नाम से रखो ना, देखो मैं अपने पैसे अपने नाम से नहीं मंगाता कभी भी, मंगाए किसी से, मैंने अपनी लड़की का दे रखा है, मेरा केतु सेकंड हाउस, मेरे पास आएंगे तो तुरंत या तो बीमारी आ जाएगी, कुछ और आ जाएगा, कहीं खर्चा आ जाएगा, मेरे को देने पड़ेंगे सारे, कोई केतु ने पैसे देने नहीं ना, फकीर बना के रखना मेरे को, वहां पर झुकाना पड़ेगा, तो झुकना अगर किसी वो बाहर के आगे झुकने से बढ़िया ना, तो बच्चों के आगे झुक लो भाई, मेरे थोड़ा पैसे दी, मैं मांगूंगा ना पैसे, उसको मंगवाना है हमसे, केतु ने झुकाना है, हमें मांगना है, तो घर में ही मांगो ना, बाहर से मांगना पड़े उससे बढ़िया, तो मैंने बैंक ही नहीं बोला, अब कुछ लोग वीनस और जो सैटर्न साथ है, वीनस सैटर्न वो प्रोफेशन अपनी बीबी के नाम से करें, बीबी को आगे कर दे, कोई बात करनी कहीं पर भी भाई आप बात करो, कोई भी अगर डील होनी है 100% सक्सेस हो गई, क्योंकि मैंने बोला ना कि शनि के साथ वो वीनस है, तो वीनस को अगर तुम अप्रोच करोगे आगे तो वो तो फिर प्रोफेशनल लेके आएगी ना, तभी पैसा आएगा, तो ये रूल्स बहुत छोटे से लगते हैं, लेकिन ये रूल्स जो आप लाओ ना अपने लाइफ के अंदर, उसी तरीके से देखा हो आपने एस्ट्रोलॉजर होते हैं, वो उधर क्या होता है कि खुद नहीं मिलेंगे आपसे, तो उनकी वाइफ कौन उठाएगी, या वाइफ पैसे मांगेगी, वाइफ ही सब डीलिंग करेंगे, उनसे मांगे नहीं जाएंगे खुद, ऐसे होते हैं, तो वो जो ट्रेडिंग जो है, वो जो ट्रेड है वो है कि जो पैसे नहीं मांग सकते, हम नहीं मांग सकते, केतु मारा हुआ है, तो अपना जो जैसे मेरा केतु है 9th में है, तो लॉन्ग जर्नी में गुरु और हायर एजुकेशन इसमें प्रॉब्लम आएगी, वो आपको तभी मिलेंगे जब आप उनके सीख चुका होगा, जैसे आपने बोला मैं सीख चुका के रखता हूँ पढ़ाई वढ़ाई, तो मिली होगी फिर आपको, ठीक है, हाँ वो तो मुझे कभी वो जब आप
लेकिन मेरी जैसे बॉसेज हैं, बॉसेज बॉस से लड़ाई तो एक तो मैंने क्या बोला एक सिग्निफिकेंट तो खराब करेगा ही ना, वो करता ही वो तो एक तो होना ही है। और अगर फीमेल हो जाए तो बॉस, फीमेल अगर बॉस हो हाँ फिर तो ठीक हो जाता। तो वो उसको चेंज करना ना आपने, वही है तो वो तो भाई होना ही होना है, आप उसमें क्या कर सकते हो। सही वो आप लेके आए हो, वो तो केतु वाले पहाड़ में पढ़ाओ ना, केतु जहां पर होता तो पड़ोसी भाग जाते हैं, बॉस भाग जाते हैं, तुम जिस कंपनी में जाओगे वो ही गए। केतु का काम है ये, जाओ आने दो केतु का शॉप पे आने दो, अभी तो बहुत अभी तो कुछ भी नहीं सीखा, ये तो मजे मजे वाली बातें हैं। तीसरा खतरनाक वाली बात है ना, तो जो केतु स्कॉर्पियो तो ये चलेंगे ना तब है कि जहां तुम जा रहे हो तो पड़ोसी भाग जा रहे हैं, या जिस ऑफिस को आप ज्वाइन कर रहे हो तो वहां से वो बहुत छोड़ के भाग गया, वो आपका उससे झगड़ा नहीं हुआ अभी आपने जो बताया था ना सर की घर से बाहर निकलते वक्त एकदम से कुछ याद आता है, मेरा भी सेकंड बकरी है ना, तो मुझे 90% ऐसा होता है कि मैं जब घर से बाहर निकलता हूँ ना और थोड़ी सी आगे पहुंचता हूँ तो मुझे ध्यान आता है अरे यार ये चीज तो रह गई, लेकिन वो चीज मैं जब लेने के लिए आता हूँ और फिर मैं जब काम से निकलता हूँ ना तो देन वो काम मेरे ख्याल से पहले से बेटर होता है, क्योंकि जब मैं कोई चीज नहीं भूलता हूँ और चले जाता हूँ वो वापसी आना है, प्रोफेशनल कार्य है ना आपका। हाँ जी हाँ जी है, साढ़े लाख प्रोफेशनल कार्य हो गया ना। हाँ हाँ हाँ, तो अगर एक बार वापिस आके वापिस जा रहा हूँ तो उसका जो सैटर्न चाहता है वो किया आपने। हाँ सैटर्न क्या चाहता है कि एक बार वापिस जाके जाओ फिर वापिस आओ तब सही होता है। हाँ तो वो किसी के लिए भी है, वीनस बकरी होगा तो ऐसे ही होता है, शादी के लिए जा रहे होगे सगाई के लिए जा रहे होगे ना, सीधे जाओगे तो बनेगा ही नहीं काम, और जब कोई बनेगा नहीं ठीक है, और जब सीधे जाओगे ना जैसे कुछ भूल गए, जैसे सगाई पे जा रहे हैं कुछ भूल गए, घर लेने जा रहे हो भागने भाग के फिर वापिस आ रहे हो, वो 100% आपने देखा नहीं देखा पसंद आ रहा नहीं आ रहा, वो क्या है वो होगा ही होगा कुछ ना, या तो वो रिश्तेदारी निकलाएगी, अरे तुम तो उसको जानते हो तुम तो इसको जानते हो, आपको मन बन गया वहां पर देख लिया कि भी नहीं यार यहाँ नहीं, लेकिन आपके ऐसे कोई कलेक्शन निकलाएगा आप बना ही नहीं कर पाओगे वहां पर, हाँ ठीक है यार उसको जानते ठीक है फिर क्या देखना है, फिर तो अपने कोई बात नहीं फिर तो अपना ही हो गया। तो कोई पूछ रहा है सर बीच में। हाँ जी हाँ जी, मैंने ये देखा है कि जो बकरी सैटर्न के लिए मैं ये रेमेडी देती हूँ कि अगर आप किसी अच्छे काम पे जा रहे हो और अगर कुछ ऐसा है अगर आपका बकरी शनि है जैसे वो वर्क प्लेस पे है या मतलब 10,000 में या 6,000 में कंपटीशन के लिए जा रहे हो एग्जाम के लिए, तो मैं उन्हें ऐसी रेमेडी देती हूँ कि आप घर से निकलो वापस आकर के फिर कुछ लेकर के फिर घर से निकलो। ये जो आप दीपिका जी बोल रही थी हाँ ये इन्होंने कोर्स लिया हुआ है ना वैदिक का। अच्छा हाँ ये बहुत बढ़िया।